कि माँ बाप नाम रख देते हैं पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। कि जब जेब में लाखों रुपए होंगे ना तो साथ देने वाले भी लाखों लोग आ जाएंगे, जब जेब आपकी खाली होती है ना तो आपके जो क्लोजेस्ट लोग हैं वो लोग भी दूर चले जाते हैं। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में ये इच्छा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, पढ़ाई कभी भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है जितना आपको इंस्टाग्राम की वो रील्स लगती है। और इसका सीधा आंसर ये है क्योंकि पढ़ाई करने से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ समय बाद मिलता है। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो बोरिंग है। कभी अपने पिताजी से बोलिएगा कि पापा आपको ऑफिस में मजा आता है, हो सकता हो हफ्ते में दो दिन मजा आता हो, पर पांच दिन तो वही काम है ना, उन्हें वो काम करना है क्योंकि वो उनका कर्म है, वो उनका कर्तव्य है। जाहिर सी बात है कि काम को रोज करोगे वो बोरिंग लगने लगेगा एक समय के बाद। पर क्या करते हैं, क्या ऑफिस छोड़ देते हैं? वो नहीं, वो ऑफिस में काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में पूरे समय बोर होते होंगे, बहुत से समय ऐसा होता होगा जिसको एंजॉय करते, पर हमेशा कुछ समय ऐसा होता होगा जिसमें बोर भी होते होंगे, तो उस टाइम उसको वो छोड़ थोड़ी देते हैं, वो काम भी वो करते रहते हैं। मान लीजिए कि आप एक अच्छे बच्चे हैं और क्लास में कोई टेस्ट हुआ और आपके 85 नंबर आते हैं, और वो 85 नंबर लेके आप आते हैं अपने पिताजी माताजी को दिखाते हैं, बहुत खुश रहते हैं आपके, देखिए मम्मी मेरे 85 नंबर आए हैं, देखिए पापा मेरे 85 नंबर आए। और पलट के पिताजी ये बोलते हैं कि बस 85, तुम्हारा दोस्त अभिषेक है उसके 95 आए हैं। फिर माताश्री बोलती हैं कि मेरी बहन का लड़का है अमित, उसके 96 आए हैं। फिर आपका बड़ा भाई बोलता है, अरे यार मेरे दोस्त का छोटा भाई है उसके 98 आए हैं। ऐसा लगता है आपको, बहुत बुरा लगता है, पर आपने अपनी तरफ से सारी मेहनत की। जब आपके माँ बाप आपको आस पड़ोस के बच्चों से कंपेयर करते हैं, अपने रिश्तेदार के बच्चों से कंपेयर करते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है। देखो जिस दिन आप लाइफ में बहुत सफल हो जाओगे ना, तब आपका साथ देने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। जिस समय आप मेहनत कर रहे हो, जिस टाइम आप संघर्ष कर रहे हो, तब आपके साथ बहुत कम लोग देते हैं। इस बात का दर्द आपको भी पता है कि जब जेब में लाखों रुपए होंगे ना तो साथ देने वाले भी लाखों लोग आ जाएंगे, जब जेब आपकी खाली होती है ना तो आपके जो क्लोजेस्ट लोग हैं, जिनसे आपके अच्छे रिश्ते हैं, वो लोग भी दूर चले जाते हैं। जो आपका मन होता है ना बहुत चंचल होता है, और आपका मन ऐसा होता है जैसा एक नवजीवित पशु हो, जो छोटा सा घोड़ा पैदा होता है ना वो इधर उधर भागता रहता है, उसे सही दिशा नहीं मिलती है, और उसे लगातार सिखाया जाता है कि तुझे सीधे दौड़ना है, जब बाधा आएगी तो तुझे कूदना होगा, पर वो घोड़ा सीख नहीं पाता, वो इधर उधर भागता रहता है। इस तरह से एक नवजात पशु का दिमाग होता है ना कि इधर उधर भागता रहता है, ठीक वैसे ही आपका मन होता है। आप देखो जितने भी लोग सबसे ज्यादा महान बने हैं उन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू किया है, अपने मन पे काबू किया है। बाहर दुनिया को जीतना बहुत आसान है बेटा, सबसे पहले आप अपने मन को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, अपने ऊपर कंट्रोल लेके आओ। जब तक आपके जीवन का कंट्रोल दुनिया के पास है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल लो, टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम कुछ और करना चाह रहे हो पर दिन भर कुछ और कर रहे हो? सब यही चाहते होंगे कि जीवन में वो सफल हो, पर ऐसा क्या है कि आप दिन भर वो काम कर ही नहीं रहे हो जिससे आपको आपका लक्ष्य मिले? सीधे शब्दों में आप समझो, आप अपने जीवन का जो कंट्रोल है, आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल एक शैतान को दे चुके हो जो अपने हिसाब से आपके जीवन को चला रहा। अगर सच में तुम्हें जीवन में सफल होना है और अपने माँ बाप के लिए क्यों, अपने लिए जीवन में कुछ करना है, अपना नाम बनाना है, अगर अपना नाम रोशन करना है, मैंने एक दिन कहा था कि माँ बाप नाम रख देते हैं पर नाम बनाना बेटे या बेटी का काम होता है। माता पिता आपका नाम रख देते हैं कि आपका नाम रख दिया आशु, पर इस नाम को बनाने का जो काम है वो आपके ऊपर। अगर आप सच में अपना नाम बनाना चाहते हो, अगर आपके सच में दिल में ये इच्छा है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करोगे, तो आप दिन भर ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे हो? आप फंस क्यों गए हो? सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे बैठ जाओ, ऐसे पढ़ लो, आप उसके बाद इतनी देर खाना खाना, मोबाइल मत चलाना, कि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है लाइफ। व्हाटएवर इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम इन योर लाइफ, इतना इंपॉर्टेंट है जीवन का हर एक मिनट, कि जो गया सो गया।